हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दिस मॉडर्न मास्टर जी चैनल। सो स्टार्ट करते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन ये एंड ये। इन तीनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ओके, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पता है हमारा ब्रह्मास्त्र क्या होता है कि पहले डिनोमिनेटर्स को सेम किया जाए, किस तरह से, एलसीएम निकाल के। ठीक है, सो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 5 3। आई थिंक आपके माइंड में भी आ जाना चाहिए कि इनका एलसीएम होगा 15। ओके, सो इनका एलसीएम 15 होगा, तो 2/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि इन इसको मैं 15 बना दूँ, इसको मैं करूँगा 5 से मल्टीप्लाई और ऊपर से भी 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और 4/5 को मैं करूँगा 3 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मेरा 5 2 10 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12 और यहाँ पर 5 3 15 हो जाएगा। अब आप देखो, इन दोनों के बीच में अभी भी हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने 2 2 से नहीं, अगर मैंने 3 से, यानी कि 3 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 45 हो जाएगा दोनों का डिनोमिनेटर। अगर मैं दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से और इधर भी 3 से। ठीक है, क्योंकि मैं दोनों का डिनोमिनेटर 45 बनाना चाहता हूँ। ओके, सो ये हो जाएगा मेरा 30/45। ओके, और ये हो जाएगा मेरा 36/45। अब आप देखो, फिट हमारे पास इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकाल रहे हैं। कौन कौन से, एक हो जाएगा आपका 31/45, एक हो जाएगा आपका 32/45, एक हो जाएगा आपका 33/45, एक हो जाएगा आपका 34/45। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका 35/45। ओके, सो अब आप देखो, बिल्कुल 5 हमारे रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में निकल चुके हैं। अब एक बार क्या करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और एक बार इसे ना खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, आपका माइंड उतना ज़्यादा शार्प होगा। फिर मैं इस आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, -3/2 एंड 5/3 दोनों का एलसीएम कितना होगा, हमारे पास 6 आएगा। सो मैं -3/2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5/3 को इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो ये मेरे पास हो जाएगा 3 3 -9/3 2 6 और ये हो जाएगा मेरे पास 5 2 10/3 2 6। ठीक है, सो दोनों का एलसीएम हमारे पास 6 हो चुका है। अब आप एक चीज़ देखो, इन दोनों के बीच में क्या 5 रैशनल नंबर्स निकल रहे हैं, बिल्कुल निकल रहे हैं, क्योंकि ये माइनस में है और ये पॉजिटिव में है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पास नंबर्स आएंगे और उनको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, आप देखो, माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ -8/6, ये हो जाएगा आपको -7/6, हो जाएगा आपको -8/7 और यहाँ पर 6/6 जो कि आपका हो जाएगा -1। ठीक है, नॉर्मली आपका -1 हो जाएगा। फिर आपका जाए -5/6, आपका -4/6 और यहाँ पर आपके 5 रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में बन चुके हैं। ठीक है, बहुत ईजी था, माइंड को शांत रखो, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे आपके। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 4 ही हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो 1/4 को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ और 1/2 है इसको मैं 4 बनाऊँगा, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा जो कि हमारा हो जाएगा 2/4। ठीक है, सो ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, ये अभी भी इनके बीच में रेशनल नंबर्स हमारे पास नहीं निकल रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, 40 बना दूँ, यानी कि डेनोमिनेटर अगर मैंने इन दोनों का 40 बना देता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 10/40 और ये हो जाएगा मेरे पास 20/40। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आराम से आप 10 रेशनल नंबर्स लिख सकते हो, 11/40, ठीक है, 12/40 और यहाँ पर 13/40, 14/40 और 15/40। ठीक है, सो आराम से इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स आपने लिख लिए। अब आप बताओ, बिल्कुल भी क्वेश्चंस कठिन थे, बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, हम यार इनको ना लगभग जब से ये चैप्टर शुरू हुआ है तब से हम इनको कर ही रहे हैं। ठीक है, और प्रीवियस क्लासेस में भी आपने किए होंगे कि किस तरह से रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब तक के लिए बच्चों पढ़ाई करते रहे, बाय बाय।